आज हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल काले चने तैयार किए हैं। तो बताते हैं आपको कि कितना तैयार किए हैं, लेकिन आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको बरवक्त मिल सके। इसके अलावा आपने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं और मुझे बताना है वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉच टाइम पूरा होगा तो चैनल मोनिटाइज होगा और आप लोग तावन करेंगे तो ही ऐसा होगा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी इल्तमास है कि प्लीज़ एंड तक देखा करें वीडियो, और पिछली वीडियो भी एक दो देख लिया करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो। और मेरी प्लेलिस्ट है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चला लिया करें तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और इसके अलावा जो है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुशोखरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ काले चने और इसकी ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे और सोचेंगे कि पहले आपको ऐसी रेसिपी क्यों नहीं मिली। बिल्कुल वो ढाबा होटल वाली रेसिपी है, जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं, ये वो वाली है। लेकिन ये जो है वो शोरबे वाले चने हैं, ग्रेवी वाले, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको जो खुश्क वाले चने होते हैं, मसाले वाले, वो उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जी ये एक पाव चने हैं। रात को मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरह दो तीन पानी में धोया और इसको मैंने दो गिलास पानी में मीठा सोडा आधा चाय के चम्मच लगा कर रख दिया। ये देखें ये इस तरह हो गए हैं, ठीक है ना, ये गल गए हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा, आधे गल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा करती हूँ कि इसको मैं पानी अच्छी तरह निकाल कर एक पानी में धो लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी ये देखिए, मैंने इनका पानी दो तीन दफ़ा धोकर अच्छी तरह निकाल दिया है। ये देखिए चने कितने ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर कुकर में जो है ना, मैंने तकरीबन 5 गिलास पानी डाल के रखा हुआ है, इसमें मैं चने डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी ये देखिए। अच्छा अब हमने इसमें दो दरमियाने साइज़ की प्याज हैं वो मैंने काट ली है, आधी गट्ठी लहसुन है छील लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने डाल दिया। फ़िलहाल जो मसाले हम इसमें डालेंगे, उसमें है नमक हसबे ज़ायका 1 चाय का चम्मच भर के लिया है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चुटकी अजवाइन है, आधी चाय की चम्मच हल्दी है, थोड़ा सा ज़ीरा है 2-3 चुटकियाँ, ये मैं इसमें डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें आप टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दही शामिल करी हूँ तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी ये मैंने यहाँ पर दही शामिल कर दिया। और कुकर को हम अब बंद कर रहे हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए, डिपेंड करता है चनों के गलने पे। तो कुकर को बंद करते हैं और इसको गलने के बाद जब मैं कुकर खोलूँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ और टाइम मैं आपको बता दूँगी कि कितना टाइम लगा। अच्छा जी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है कुकर खोला है, इसमें थोड़ा सा पानी है और चने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के गल गए हैं। तो मैं आपको एक दाना जो है ना वो दिखाती हूँ, अगर रखा जाए चम्मच तो जी। ये देखें दाना मैंने हाथ में ले लिया और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। और अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर दरदरा सा पिसा हुआ है, मतलब मुकम्मल नहीं है, दरदरे से बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है। और यहाँ पर है हरी मिर्ची और अदरक जिसको मैंने चॉप किया है, मर्ज़ी से ले लें। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 3-4 मिनट हमने इसको ऐसे ही चम्मच चला लिया है। अब इसमें हम हसबे ज़रूरत घी डालेंगे, तो यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन 100 ग्राम इसमें घी डालूँगी, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हम भून लेंगे अच्छा सा, 5 से 6 मिनट में इसको भून लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी भुनाई होगी है, देखिए ऑयल भी इसका छूट गया है। तो अब यहाँ पर हम ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना हमें इसका शोरबा या ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना पानी गया है। जी तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर हम काली मिर्च का टच देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना चाय वाला, वो मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मिक्स कर देंगे और ढक कर इसको रख देंगे
5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। जी धीमी आंच पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला। तो आधी चाय की चम्मच है ये, हमने गर्म मसाला मिक्स किया और बस हमारा सालन जो है चने का वो तैयार है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा। देखें जी थोड़ी देर से जो है ना हमने फ्लेम ऑफ किया है तो ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ हमारा चनों का शोरबे वाला सालन जो है वो तैयार हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है देखकर। चनों के साथ ये आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। और इसके अलावा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और एंड तक देखा करें वीडियो।